हेलो एंड वेलकम बैक टू सेकंड एपिसोड ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड एपिसोड, और उसमें हम रेस्क्यू करेंगे निकोलाई को, जो कि कैप्चर्ड है रशिया में उन टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों जो बगावत कर रही हैं रशिया के अंदर और दूसरे मिडिल ईस्टर्न का जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। तो शुरू करते हैं मिशन और देखते हैं कि कैप्टन प्राइस जो है वो इस वक्त क्या करना जा रहा है, क्या Captain प्लान है। Price, Al-Assad just executed President Al-Falani on national television. The Americans have plans for Al-Assad, and it's too late to do anything for Al-Falani. But in less than 3 hours, codename Nikolai will be executed. Okay. Nikolai, sir. Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. वो स्पाई था, और स्पाई पकड़ा जाए तो एक ही हाल उसका हाल होता है, सजाए मौत। Nikolai's in hell right now. We're gonna walk him out. We take care of our friends. Let's move. चलो चलें भाई, रेस्क्यू मिशन, रेस्क्यू निकोलाई। The loyalists are expecting us half a click to the north. Move out. Loyalists, eh? Are those the good Russians or the bad Russians? Well, they won't shoot us on sight, if that's what you're asking. Yeah, well, रशियंस और अमेरिकन्स की पुरानी दुश्मनी। और जो लॉयलिस्ट की बात ये कर रहा है, ये वो ग्रुप्स हैं या कह लें कि गवर्नमेंट फोर्सेस हैं रशिया की, जो कि बागी ग्रुप्स के खिलाफ लड़ रही हैं। और कैप्टन प्राइस ने जो है उन्हीं में से किसी एक सार्जेंट के साथ रابطہ किया है इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने इन गार्ड से बचते बचाते या इनको मार कर इस कैंप के दूसरी तरफ निकलना है जहाँ पे वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। आई थिंक सार्जेंट कैमरोव नाम था। यस, सार्जेंट कैमरोव। ओ भाई, सोए रहो सोए रहो, काहे को उठ रहे हो भाई, इतनी इज्जत मत दो हमें। हम आपको मारने आए हैं, बारात लेकर नहीं आए हैं। ओके, ये दरवाज़ा हमारी ताकत के बाहर है खोलने के लिए। सो कैप्टन प्राइस साहब, थैंक यू। ओके, सामने फील्ड में ही यहीं कहीं छुपे होंगे। यू स्मेल दैट? या, कैमरोव। कैमरोव, यस। ये रहा। वेलकम टू द न्यू रशिया कैप्टन प्राइस। What's the target, Kamarov? We've got an informant to report. ये रहे कैमरोव के बंदे। The ones on the other side of the hill. The rockets have killed hundreds of civilians in the valley below. Not so fast. Remember Beirut? You're with us. I guess I owe you one. Bloody right you do. तो अभी जो कैमरोव बात कर रहा था, तो कैमरोव बेसिकली चाहता है कि प्राइस का स्क्वाड उसकी हेल्प करे असाल्ट में, जो इनके ओपोनेंट्स हैं उनको मारने में। बट प्राइस की प्रायोरिटी जो है वो निकोलाई को रेस्क्यू करना है, तो वो फोर्स करेगा कि भाई हम अपने एंड ऑब्जेक्टिव पर ही रहें। तो ये रही पहली लोकेशन जहाँ से हमने स्नाइपिंग करनी है। स्नाइपर टीम इन पोजीशन, गाइस कवर द लेफ्ट फ्लैंक। रोजर, कवरिंग लेफ्ट फ्लैंक। ये रहे कैमरोव के बंदे। कमेंस द अटैक। ओके, शुरू करते हैं भाई। इस वन टू डाउन, क्या गिनती है हमारी। आई डोंट केयर। नाइस, और कोई नजर नहीं आ रहा फिलहाल। आई थिंक जब कैमरोव के जो आदमी हैं थोड़ा सा एडवांस करेंगे, ये अलार्म बजा और अब फिर अपोनेंट्स आएंगे। अबे भाई, ये चक्करबाजियां मत कर हमारे साथ। मैंने ये नहीं बोला था, ये बोला था। I want that informant. You have nothing to worry about. We'll take out BM-21s and carve a path straight to your informant, Captain Price. चलो देखते हैं अपनी बात का कितना सच्चा है तू। Coin status.
आउच, ये बहुत गर्म है, मैं यहाँ से कैसे गुजरूंगा? मैं गुजर जा सकूँ उसे ट्यूब ये राइट हेलीकॉप्टर ट्रूप्स यूज करें क्या ग्रेनेड आई एम नॉट श्योर कि ये काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं और ग्रेनेड्स काफ़ी स्लो भी होंगे तो आई थिंक बुलेट्स ही सही रहेंगी है तू अभी अच्छा भाई कर देते हैं तेरी हेल्प ले मार दिया कभी मार दिया मुफ्त के कत्ल करवा हमसे गुनाह तो हमें ही मिलेगा तेरा क्या जा रहा है नाइस चलो ओ मैं नीचे गिर रखा था नीचे नहीं गिरना भाई तुम्हारा क्यों नहीं है बस हो गया मैं इसको मारूंगा मारूंगा चल कोई नहीं क्या बख्श दिया तुझे नेक्स्ट पार्ट इधर आ गए नजर नहीं आ रहा कोई इधर गए कैमरोफ के आदमी भी नहीं नजर आ रहे ये रहे ओके ओके ये घर है अबे हटना साले यहाँ जाना है हमने और हमारे रास्ते में फाइट चल रही है तो देखते हैं कौन कौन हमारे रास्ते में आएगा और मरेगा चल भाई चल आराम से सुकून से देखते हुए अन्यवा भागने की जरूरत नहीं है सॉरी अचानक सामने मत आया करो भाई ट्रिगर फिंगर बहुत इची है हमरी हम ठोक देगा जस्ट टू बी सेफ ओके तो क्या कर रहा था मेरे को नहीं जानना ये रहा वो घर जहां पे निकल आई मौजूद है यस सर आई एम रेडी आ जाएं अल्लाह बोल तो गैस जाएगा अभी पावर कट करने और टी काटने के बाद धूप अंधेरे में नाइट विजन यूज करते हुए हम रूम को और रूम नहीं हाउस को खाली करवाएंगे चलो Victor, electricity for pick a slow. These night vision goggles make it too easy. Wow. जा रहे अन्ने मैं भूल गया तू भी होता है ये निकल आई है चेक कर लूं जरा इधर यहाँ पे क्लियर है ये रहा निकल आई It's him. Nikolai, are you all right? Can you walk? Yes, I can still fight. Thank you for getting me out of here. Big Bird, this is Bravo 6. We have the package. Meet us at LZ1. Over. Bravo 6, this is Big Bird. We're on our way. Now. Let's go. अगर आप में से कोई सोच रहा है कि मैं बेड पे चढ़ के क्या कर रहा था तो मैं ज़रा मैट्रेस चेक कर रहा था इतहाई घटिया क्वालिटी थी
सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अल्ट्रा नेशनल से मैट्रेस बाय करें. यू आर वेलकम. नाइस, ये गन चल रही है ना, अच्छी. चलो भाई निकलने का वक्त आ गया यहाँ से. Why? ऐसा क्यों है? बात तो पूरी बताया कर. खैर देखेंगे क्या वजह है इसकी. ओके, यूएस मरीन कोर सर्जेंट पॉल जैक्सन. तो अब अमेरिकन्स की बारी. इन्वेजन शुरू होने लगी है और हम लीडिंग असॉल्ट टीम में होंगे. अमेरिकन फोर्सेस की जो भी ये जा रही हैं हमला करने. Spotters have a possible fix on Al-Assad in a building at the west end of this town. We're going to secure the perimeter and grab Al-Assad. Hurrah! Lock and load. Oh, bhai. Kafi choti briefing thi, but I like it. So, Nikolai to bach gaya. Idhar Americans ne apni assault shuru kar di hai. Invasion. Full-fledged army leke ye janab saab pahunch chuke hain. Kuch nahi chhodna piche. इस तरह से अफगानिस्तान में घुसे थे ये तकरीबन 20 साल पहले. और देखते हैं कि भाई अब ये अमेरिकन्स की जो असॉल्ट है ये कितनी सक्सेसफुल होती है. निकोलाई ने तो बोल दिया है कि अमेरिकन्स मिस्टेक कर रहे हैं, इनकी असॉल्ट, इनकी इन्वेजन कामयाब नहीं होगी. और यकीनन उसके पीछे निकोलाई की रीजंस होंगी कोई ना कोई कि वो ऐसा बोल रहा है. बहरहाल वो देखेंगे पर अपनी आने वाली एपिसोड्स के अंदर. सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और तब तक के लिए खुदा हाफिज़.